नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ राजद के युवा नेता एवं रंगरा प्रखंड के युवा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार यादव जी एवं उर्फ मोती यादव जी। इनसे जानेंगे इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और राजनीति में आने का दिलचस्पी क्यों दिखा। सर्वप्रथम मैं गोपालपुर विधानसभा की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। आप सभी मीडिया भाइयों को हमारी न्यूज लेने के लिए, हम तक आने के लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। रही बात गोपालपुर विधानसभा की, तो हम लोग पूर्व से राजद परिवार से जुड़े हैं। एक सिपाही के रूप में काम किया है, आगे भी करता रहूँगा। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत प्रदेश के सबसे छोटे निम्न इकाई से शुरू की है। त्रिस्तरीय पंचायती राज से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, पृष्ठभूमि लिखा है। और हमारे राजनीति कुशलता हमारे क्षेत्र की जनता जानती है और हम पर विश्वास करती है। यही कारण है कि विधानसभा की जनता चाहती है इस बार प्रखंड प्रमुख मोती यादव को राजद की ओर से उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी बनाया जाए। क्षेत्र की जनता, आप जब से प्रमुख रहे हैं, आज 5 साल होने वाले, गोपालपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या क्या कार्य किया? जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज लगातार 10 वर्षों से मैं रंगरा प्रखंड प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगले पंचवर्षीय हमारी माताजी श्रीमती मंजू देवी यहाँ से प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुई थी। इस बार हमारी माताजी ग्राम पंचायत सरवाचापर से मुखिया निर्वाचित हुई हैं। मैं रंगरा प्रखंड प्रमुख हूँ। प्रमुख के कार्यकाल में आपने मुख्य कार्य क्या क्या किए? सबसे पहले कर्मचारी पदाधिकारी से संवाद कर आम लोगों के हित में कार्य किया, जैसे राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मोदी सरकार द्वारा चलाया गया सुलभ शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना, इन सभी योजनाओं को मैंने धरातल पर लाने का अथक प्रयास किया। उससे हटकर हमने समाज के गरीब, कमजोर, असहाय, दबे कुचले, शोषित, वंचित व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य किया और यह संदेश जन जन तक गया, पहुंचा। यही कारण है कि लोग मुझे आज अपने प्रतिनिधि के रूप में पसंद करते हैं। इस कोरोना महामारी में आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किया? इस कोरोना महामारी में सर्वप्रथम मैंने जागरूकता अभियान चलाया, लोगों के बीच घूम घूम कर मास्क का वितरण किया, हर एक पंचायत में सैनिटाइज का काम कराया। हर पंचायत में सैनिटाइजेशन, मास्क लगभग कितना बांटा गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा लगभग 10,000 मास्क वितरण किया गया। 10,000 सूखा राशन?
सूखा राशन वितरण किया गया कितने लोगों में? हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या में सैनिटाइजर साबुन वितरण किया गया। साबुन लगभग कितना होगा? 10,000। 10,000 मास्क के साथ। 10,000 मास्क के साथ। आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी क्या रणनीति है यहाँ की विधानसभा चुनाव के लिए? आप अगर यहाँ की जनता आपको विधायक चुनती है तो उनके लिए क्या कार्य करेंगे? सर प्रथम तो मैं इससे पहले काफ़ी समस्याएं हैं। गोपालपुर विधानसभा दोनों ओर से गंगा कोसी नदी से घिरा हुआ है, जिससे हर वर्ष यहाँ के लोगों को दंश झेलना पड़ता है। किसान को अपने फसल की बर्बादी सहनी पड़ती है बाढ़ के कारण। नीचे स्थान में रहने वाले गरीब परिवार को हर वर्ष ऊंचे स्थान पर शरण लेना पड़ता है पूरे परिवार के साथ, विस्थापित परिवार के रूप में। दूसरा एजेंडा है सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं पे काम करना हमारा प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा विस्थापितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए आप क्या योजना बनाएंगे? उनके लिए सही समय पर समुचित कार्य किया जाएगा। सही समय पर समुचित कार्य किया जाएगा ताकि हमारे विधानसभा वासियों को अस्थाई रूप से बाढ़ से निदान मिल सके। इसके अलावा आप राजद में हैं, अगर राजद की तरफ से किसी और की उम्मीदवारी पेश की जाएगी उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? मैंने बता दिया पूर्व में भी मैं पार्टी के साथ था, आज भी रहूंगा, आने वाले भविष्य में भी रहूंगा। पार्टी के साथ रहेंगे जी। एक सिपाही के तौर पर मैं लगातार कार्य करता रहा हूँ, करता रहूँगा। पार्टी को जिताने के लिए भरपूर मेहनत करूँगा। दीजिए पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, पार्टी को और तेजस्वी की सरकार बनाने में हमारी जो मदद मिलेगी हम मदद करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे विकास पुरुष युवा नेता तेजस्वी यादव हमारे ऊपर एक बार भरोसा दिखाएंगे और हमें गोपालपुर विधानसभा में फतेह लहराने के लिए तेजस्वी यादव हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे, ये हमें पूर्ण रूप से भरोसा है। चलिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। नमस्कार, धन्यवाद।